गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर नंबर 3। जो आपका चल रहा था, कंटिन्यू था, उसमें एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में देखिए आपका क्या है, कन्वर्ट मीन्स चेंज करना। तो कन्वर्ट करने से पहले हमें उससे पहले थोड़ा जानकारी लेनी होगी इसकी, कि व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन क्या होता है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या है, ये हमने सिक्स क्लास में आपका पढ़ा था क्या, कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू कन्वर्ट ए बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट। किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द बिगर यूनिट, हम बड़ी यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 फॉर ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप के लिए 10 से, एज वी गो अप। ओके, जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 10 फॉर ईच स्टेप के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। एंड सेकंड है, टू कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए बिगर यूनिट। जब कभी हम एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, देन वी डिवाइड द स्मॉलर यूनिट, हम छोटी यूनिट को डिवाइड करते हैं बाय ए नंबर 10। किससे, 10 से, फॉर ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप के लिए, एज वी गो डाउन द लैडर, जैसे कि हम उस कंडीशन से नीचे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, जो यूनिट्स हैं वो दे रखी हैं। जैसे लेंथ से, लेंथ के लिए 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर इक्वल क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर्स। राइट, 10 हेक्टोमीटर्स, 1 किलोमीटर इक्वल 10 हेक्टोमीटर्स, 100 डेकामीटर्स एंड 1000 मीटर। मीन्स 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होते हैं, या फिर 100 डेकामीटर होते हैं, और 10 हेक्टोमीटर होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल क्या होता है, 10 डेसीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मिलीमीटर्स होता है। राइट, सिमिलर इसी के अपो क्या कर सकते हैं, 1 मीटर इक्वल 1/10 डेकामीटर, 1/100 हेक्टोमीटर, और 1/1000 किलोमीटर्स। राइट, तो ये सभी आपको राइट करने हैं और राइट करके इनको लर्न करना है। सेकंड आपका आता है मास। ओके, द्रव्यमान, इसमें आपकी 3 यूनिट्स हैं, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है आपका 10 हेक्टोग्राम, या फिर 100 डेकाग्राम, और 1000 ग्राम। राइट, सेकंड होता है आपका ग्राम, 1 ग्राम इक्वल होता है 10 डेसीग्राम, 100 सेंटीग्राम, और 1000 मिलीग्राम। ओके, नेक्स्ट, 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल क्या होता है आपका, 1/10 डेकाग्राम, 1/100 हेक्टोग्राम, और 1/1000 किलोग्राम। तो इस तरह से आपकी ये यूनिट्स होती हैं जिनको चेंज करना होता है, किलोमीटर्स को। जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी किलोमीटर है, इसमें हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये सब इसकी स्मॉलर यूनिट होती हैं। किलोमीटर जो होती है वो बिगर होती है। राइट, ऐसे इधर किलोग्राम आपकी बिगर होती है, और जो आपकी हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये सब होती हैं, ये छोटी यूनिट होती हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी ये यूनिट्स हैं। इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये जब अभी हम सम्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पे, 4.37 किलोग्राम इनटू मिलीग्राम कन्वर्ट करना है, 4.37 किलोग्राम को मिलीग्राम में। अब देखिए, किलोग्राम जो है हमारी बिगर यूनिट है, और मिलीग्राम जो है हमारी स्मॉलर यूनिट है। मीन्स हमें किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है। राइट, सो फर्स्टली वी राइट हियर, 4.37 किलोग्राम इंटू मिलीग्राम, इसको हमें कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोग्राम इक्वल कितने मिलीग्राम होते हैं आपके, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख मिलीग्राम्स होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में क्या होता है आपका, 10 लाख मिलीग्राम्स होते हैं। इसलिए 4.37 किलोग्राम में आपके कितने होंगे, ज़्यादा होंगे ना, 1 से ज़्यादा है 4.37, तो किलोग्राम में मिलीग्राम इतने हैं तो इसमें और ज़्यादा होंगे। तो हमने क्या किया, 4.37 की 10 लाख इसकी मल्टीप्लाई की। अब इसको हमने अभी, मैंने लास्ट आपकी वीडियो में मल्टीप्लिकेशन वाली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जब हम
टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैक्स, इट्स एक्स्ट्रा, ऐसी चीज़ों से जब कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट सेम रहता है। बस क्या होता है, जितने हमारे ज़ीरोज़ होते हैं उतनी ही राइट साइड में वो क्या होती है, आपकी आपका जो पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए टू डिजिट्स हैं, तो टू तो ये हो गई, फोर और ज़ीरो ऐड कर दीजिए तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमारा सिक्स डिजिट जो है राइट में हमारा पॉइंट शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10000, 10 लाख, 4370000 मिलीग्राम होंगे किसमें, 4.37 किलोग्राम में। ओके, गोटेड। अब देखिए सेकंड है इसका 4.37 मिलीग्राम इंटू किलोग्राम। 4.37 मिलीग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। अब देखिए मिलीग्राम जो है हमारी स्मॉलर यूनिट होती है और जो किलोग्राम होती है वो बिगर यूनिट होती है, बिगर, ठीक है। तो हमें अब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करना होगा, ठीक। तो 1 मिलीग्राम इक्वल कितना होता है, 1/10 लाख किलोग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम जो होता है 1/10 लाख किलोग्राम होता है। तो 4.37 मिलीग्राम में क्या हो गया, ज़्यादा होगा, तो 1 × 4.37/10 लाख। अब फिर से वही कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिवाइड में बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 10, 100, 1000, 10000 एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता है। कितना होता है, जितने ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में कितना शिफ्ट होगा, सिक्स डिजिट। ओके, अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना है। यहाँ पे अभी डिजिट कितनी है, ओनली 1, तो हमें 5 डिजिट और चाहिए। तो 5 डिजिट और लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 राइट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 50 हमने राइट किए और 437 ये राइट कर दिया, तो 0.000000437 किलोग्राम। ओके, तो इस तरह से आपका ही क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हुआ। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट होता है हमारा 56.4512 डेकाग्राम इंटू मिलीग्राम, डेसीग्राम इंटू मिलीग्राम। अब 1 dg इक्वल क्या होता है आपका, 100 मिलीग्राम होता है, राइट। 1 dg इक्वल 100 मिलीग्राम होता है, तो 56.4512 dg में क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 56.4512 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से, राइट। जब हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, आपका 2 डिजिट जो है ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5645.12 मिलीग्राम। ओके, 5645.12 मिलीग्राम, गोटेड। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर पार्ट क्या कह रहा है आपका, 56.4512 मिलीग्राम इंटू डेसीग्राम। अब देखिए मिलीग्राम जो है वो डेसीग्राम से स्मॉलर यूनिट है, डेसीग्राम जो है बिगर है और मिलीग्राम जो है वो स्मॉलर है। अब स्मॉलर को हमें बिगर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू रूल डिवाइड, अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। सो 1 mg 1 मिलीग्राम इक्वल क्या होता है, 1/100 डेसीग्राम होता है, ठीक है। 1 मिलीग्राम इक्वल 1/100 डेसीग्राम। सो 56.4512 मिलीग्राम इक्वल क्या होगा आपका, 56.4512/100, 100 से डिवाइड किया इसको, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 डिजिट आपका लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.56452 डेसीग्राम। ओके, इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट आपको कराए हैं और जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटा वो आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी अदर पार्ट देन यू कॉन्टैक्ट मोबाइल्स नंबर्स, ओके, जो आपके स्कूल्स के नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।